खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कुढ़नी उपचुनाव को लेकर। जी हां, कुढ़नी उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। यहां उपचुनाव जहां महागठबंधन और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है, तो वहीं पर छोटे दल चुनावी मैदान में उतरकर लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं। इस उपचुनाव को जीतने के लिए सभी दल के नेता चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं और जनसंपर्क तेज हो गया है। बड़ी खबर, कुढ़नी चुनाव में महागठबंधन ने झोंकी है ताकत। आज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम नीतीश करेंगे जनसभा, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हुंकार भरेंगे, तो वित्त मंत्री विजय चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बुनियादी विद्यालय केरमाडीह के खेल मैदान में यह पूरा कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे जनसभा का आयोजन किया गया है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीधा है कि यह चुनाव नफरत को भगाने के लिए, संप्रदायवाद को हराने के लिए और मोहब्बत और सामाजिक न्याय और समाजवाद को लाने के लिए है। हमारे पूरी कुढ़नी की जनता महान मतदाता गोलबंद है, नफरत को भगाने के लिए, सामाजिक न्याय और समाजवाद को जिंदा करने के लिए यही अपील भी करने आए हैं। कुढ़नी की महान जनता ये जान चुकी है कि कौन वोट कटवा है और कौन रेस का घोड़ा है, लंबे रेस का घोड़ा है। और केदार गुप्ता जी को जब कुढ़नी की महान जनता ने आशीर्वाद दिया था 2015 में, तो 15 से 20 का काम उनका आज भी दिख रहा है। कोई गांव नहीं है जो उनके द्वारा एक शिला पटना लगा हो, कुछ काम न किया गया हो। इसलिए और पिछला 2 साल भी कुढ़नी के लोगों ने देखा है, एक भी काम की शुरुआत नहीं की गई कुढ़नी में, तो लोग काम के आधार पर भी मन बना करके मान्यवर केदार गुप्ता जी के लिए बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बैठे हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ रुपेंद्र जुड़ चुके हैं लाइव। रुपेंद्र, कुढ़नी उपचुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार खुद आज वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ जो विपक्ष है लगातार हमलावर अंदाज में कह रहा है कि आपने काम नहीं किया, और कुढ़नी की जनता बता दे कि आखिर कुढ़नी का किंग कौन है। देखिए, सही बात है कि कुढ़नी की जनता ही बताएगी कि कुढ़नी का किंग कौन होगा, और जो भी उम्मीदवार हैं उनके जो भाग्य का फैसला जो है कुढ़नी की जनता जो है 5 तारीख को कर देगी, 5 दिसंबर को, और जो है वो अपना वोट डालेगी और जब परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अब यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जो वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी, उनका जो है आज जनसभा होने वाला है और तीनों के जो है संयुक्त रूप से जनसभा होगी कुढ़नी में, और ये 2 बजे के करीब में जो है ये जनसभा होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 1:30-1 के करीब में जो है वो पटना से जो है सड़क मार्ग के द्वारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है और वित्त मंत्री जो है वो कुढ़नी के लिए रवाना होंगे। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि जो वहाँ पर आरजेडी के विधायक थे उन्होंने सांसद रहते हुए जो है जिस तरह से काम किए थे, और वो काम जो है जब देखा गया कि पैसे की निकासी का जो मामला था, और आपको उनको वो हवाई सफ़र में जो है गलत तरीके से, तो उसके कारण है उनकी सदस्यता गई है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है जेडीयू तो वहाँ से लड़ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है बीजेपी को भुनाने की कोशिश कर रही है कि एक तो काम नहीं किए और जो पहले से जो वहाँ पर प्रतिनिधि थे उनके जो है कारनामे जो है साफ उजागर गए हुए हैं, और उनके कारनामे के कारण ही जो है उनकी जो है सीट गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब बीजेपी वहाँ पर मजबूती के साथ जो है लड़ रही है, लेकिन अब बीजेपी जीतेगी या जेडीयू जीतेगी ये फैसला जो है वहाँ की जो है वोटर करेंगे, वहाँ के जनता करेंगे कि उनका उम्मीदवार जो है वह कैसा होगा, उनका जो जनप्रतिनिधि जो होगा वो कैसा होगा और विकास कैसा करेगा। लेकिन बीजेपी जो है वो कह रही है कि हम विकास करेंगे, और एक तरफ जो है महागठबंधन कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री
जा रहे हैं, जनसभा करेंगे, उप मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे। अब देखना यह है कि उनके जनसभा में भीड़ कितनी होती है और वो जो भीड़ आती है क्या वो भीड़ जो है वो वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल रुपेंद्र, अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। शुक्रिया रुपेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो 5 दिसंबर को कुढ़नी में उपचुनाव है, इसको लेकर सभी दलों ने ताकत झोंक दी है, सभी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 5 तारीख को कहा जा सकता है कि कुढ़नी का किंग कौन होगा, उसकी किस्मत तय हो जाएगी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।